तुम फोन रखो, मैं फोन रखती है, तो रखो फोन। मोटी साली बड़ी चालू हो रहा था, ये पार्टी में आएगी तो आधा खाना तो ये अकेले खा जाएगी। टेस्टी, वेरी टेस्टी। सीधा किचन में घुस जाती है, कच्चे के बराबर तो जूड़ा बनाती है। कच्चा भी क्या, वो लकोटी, वो हमारे गांव के बच्चे खेलते हैं ना वो, और उसके ऊपर एक गजरा चिटका लेती है। पार्टी में 10 बार तो पल्लू गिराती है, ये देखो हमारे पास है। अरे वो तो सबके पास है भाई, भगवान ने सबको दिया, किसी को छोटा किसी को बड़ा, इसमें दिखाना है। एक बार तो उसने कमाली कर दी, हमारे घर में पार्टी चल रही थी, हमारे सब हमेशा पार्टी पार्टी देते रहते हैं ना, तो बाहर के बाथरूम में कोई गया था, तो ये गई मेम साहब के बाथरूम, मैं भी अंदर गई बाथरूम में टावल रखने। तो मेम साहब के बाथरूम में गई, उसी समय बाथरूम में टावल लेने घुसी, मैंने क्या देखा कि ये मेम साहब की दराज में से, मेकअप वाली दराज में से कुछ निकाल के चुपचाप अपने पर्स में रख रहे। मुझे देखते एकदम सीधी हो गई, सखु भाई वो टिश्यू देख रही थी, टिश्यू का है, टिश्यू पेपर का है। मैंने उसे घूर के देखा और कहा, मैडम टिश्यू तो यहाँ भी है, बाहर भी है, वहां भी है, टिश्यू तो हर जगह रखा है, सब जगह टिश्यू ही टिश्यू है। तो थैंक यू कह के हॉल में चली गई। मैं सीधी मेम साहब के पास गई और एक कोने में ले जाकर उन्हें बताया, तो मेम साहब बोली, नहीं नहीं शंकु तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं बोली, मेम साहब पहले आप चल के मेकअप वाली दराज चेक कर लो। वो फिर भी नहीं मानी, मैंने कहा देख लो, घर में काम करने वाली है मैं अकेली, फिर मुझे बाद में मत बोलना। मेम साहब ने जाकर मेज की चेक की, टेबल की मेज चेक की, तो उनकी हीरे की अंगूठी वहां नहीं थी। मेम साहब ने अंगूठी पार्टी में पहनने के लिए निकाली थी, फिर नहीं पहनी, वही रख दी। ये लोग ऐसा ही करते हैं और फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगा। मेम साहब ने साहब को अंदर बुलाया, साहब बोले, नो पूजा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने कहा देख लो साहब हो गया, और देख लो ये भी समझ के कि बाद में फिर बोलना मत, मैं अकेली काम करने वाली भाई, बात तो मुझे पे आ गई। कुछ भी हो आप लोग चोर तो सबसे पहले हम ही को समझते हो ना। साहब बोले, अब क्या करें सबू, क्या करें। मेम साहब बोले, मैंने कहा रे साहब काय को डरते हो, उस मोटी को तो मैं अभी सीधा कर दूंगी। मेम साहब बोले, नहीं नहीं सबू ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत करना, वो बहुत बड़े आदमी की वाइफ है। मैं बोली, अरे मेम साहब बहुत बड़े आदमी की वाइफ को बड़प्पन भी तो आना चाहिए, है कि नहीं, बड़े आदमी को पता भी तो होना चाहिए। बड़प्पन कोई इज्जत के और ईमानदार होने की गारंटी तो नहीं है। आप डरो नहीं, कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, आपकी चीज आपके पास वापस आ जाएगी, बस देखो आप मुझे। ये कहके मैं बाहर चली गई तो क्या देखती हूँ, वो हॉल में बैठ के लपक लपक के काजू खा रही थी, एक के बाद एक। मैं वही दरवाजे पे खड़ी होके बस उसे एक टक घूरती रही। थोड़ी देर के बाद डांस का म्यूजिक चालू हो गया, उसको डांस का भी बहुत शौक, तुरंत उठ गई और खड़ी होके सबके साथ डांस कर रही। हमारे एक पड़ोसी हैं डॉक्टर अग्रवाल, उनको भी डांस का बहुत शौक, बस उनके साथ लग जाती डांस करने की। और डांस करते करते वो तो आपको बता ही दिया ना, पल्लू ट्यू डांस करती है ट्यू। मैंने इतना मौका देखकर इधर उधर देखा, मेज पर उसका रखा हुआ पर्स उठाया, अपने साड़ी के पल्लू के नीचे छुपाया, तेजी से तीर की तरह किचन में लेके भाग गई। किचन में जाकर पर्स खोला तो देखा उसमें हीरे की अंगूठी चमक रही थी। मैंने मेम साहब को झट से बुलाया और बटुआ दिखाया, तो मेम साहब बोली, शंकू। मैंने कहा बक्कू। मैंने झट उसमें से अंगूठी निकालकर मेम साहब को दे दी, बटुआ बंद किया और हॉल में आ गई।
मैंने देखा तो मोटी अभी भी नाच रही। मैंने मौका देखकर पर्स वहीं ले जाकर वापस रख दिया चुपचाप। जब पार्टी खत्म हुई तो वो जाड़ी मोटी मेरे पास किचन में आई और जाते जाते बोली, जाती सकुमाय बाय सकुमाय। मैंने उसको देखा और दिल में कहा, भाई की बच्ची बड़ी इतरा रही है, आज घर सोच रही होगी या इस घर से आज बड़ी कमाई करके ले जा रही है, है ना। घर जाके अपना पर्स खोलेगी तब पता चलेगा कि किसी ने उसकी वाट लगा दी।